चलते, और लोगों का कहना है कि हम किस में जाएं। देखिए ये डिपेंड्स होता है आपको कि आप सारे नॉलेज को लेना है या फिर सिर्फ इनकम टैक्स को लेना है या फिर सिर्फ जीएसटी आपको करना है, उसमें जीएसटी में आप अपने आप को बहुत ग्रिपली सीखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे कि हमें कहाँ जाना है तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर कहीं जा रहे तो उनसे पूछिए कि आपके इधर काम क्या होता है, क्या एक मेनली एक काम होता है या फिर ऑल वर्क वहां पर होता है। देखिए ऑल वर्क इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये तो डिपेंड्स होता है आपका, आपकी नॉलेज किसमें आपको लेना है, क्योंकि आप जब तक मोटिवेट नहीं होंगे, आपके अंदर जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगा मुझे क्या सीखना है, तो मैं कितना भी आपको बता दूं तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जीएसटी सीखना है तो मैं आंख बंद करके आप जाए वहां पर सीखें। बहुत सारे ऐसे फर्म है जो सिर्फ जीएसटी पे वर्क होते हैं, बहुत सारे फर्म है जो इनकम टैक्स रिटर्न पे बहुत से काम होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीजों को लेके चलते हैं, जैसा कि मैं बोला ऑल वर्क करते हैं, राइट। तो आप डिसाइड कीजिए, अगर आप फ्रेशर हैं मेरे हिसाब से अगर आप ऑल चीजों को करिए वहां पर सीखिए, और अंदर से जब क्यूरियोसिटी आए कि नहीं मुझे एक स्पेशलाइजेशन मतलब एक चीज में महारत हासिल करना है, एक चीज को सीखना है, बेझिझक आप वहां से क्विट कीजिए और आप कोई ऐसे फर्म को पकड़िए जहां पर आप एक चीज को फोकस करना चाहते हैं और उस चीज को सीखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले पहले आप ऑल वर्क को प्रिफर कीजिए, क्योंकि वहां पर सारी चीजें सिखाई जाती है और ऐसे सीखने वालों की जॉब ज्यादा लगती है मेरे हिसाब से। लेकिन आप अगर सभी चीजों को सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैं बोला कि वहां, और एक कैटेगरी वाइज सीखना चाहते हैं, आपको इनकम टैक्स सीखना है तो आप वहां पर जाइए। देखिए बहुत सारे वर्क होते हैं लेकिन डिपेंड्स करता है सीखने के ऊपर। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जल्दी सीख लेंगे, नहीं सीखना चाहते तो आप देर में सीखेंगे, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड्स होता है। सीएफएम में क्या कि जो सीनियर्स होते हैं वो अपना काम करते हैं, उन्हें तो जॉब करने का पैसा मिलता है ना कि यानी सिखाने का पैसा मिलता है। लेकिन आपके अंदर अगर दिख जाता है वो क्यूरियोसिटी, वो ललक होता है, वो एक होता है ना कि फोकस होता है कि ये बंदा सीखना चाहता है। जैसे कि अभी हमारे पास ही देख लो, हम लोग जब कोई आता है नया फ्रेशर तो उनको हम लोग चेक करते हैं कि ये बंदा सच में वाकई में सीखना चाहता है, क्या फोकस से काम कर रहा है, तो उसको सिखाने के लिए हम लोग और ज्यादा फोकस करते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, बंदा सीख जाए, क्योंकि सीखना है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सीखना भी चाहते हैं, अगर उनको ज्यादा काम दे दिया तो बोलते हैं यार बहुत ज्यादा काम, कम इतनी ज्यादा सैलरी है ना, इंटर्नशिप इतनी ज्यादा कम है और मैं काम ज्यादा करूँ, तो ये माइंडसेट अगर लेके चल रहे हैं तो प्लीज इसको रिमूव कीजिए अपने माइंड से। और पैसे मत देखिए, पैसे अगर देखेंगे इस फील्ड के अंदर तो आई एम श्योर कि आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सीखने की चाहत है, सीखने की इच्छा है, तो प्लीज पैसे के पीछे मत भागे। जैसा कि एक कोट है कि काबिल बनिए, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। तो यही चीज आप अप्लाई कीजिए, आपको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उतनी ज्यादा आप सीखेंगे। ये मेरे बॉस का भी कहना है कि जब तक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक दिमाग आपका घसेगा नहीं तब तक आपके दिमाग में कुछ आएगा नहीं। तो अपनी चीजों को और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाइए अपने कामों को, और आई एम श्योर उसमें कुछ ना कुछ, अगर 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है आपको करने के लिए तो उसमें से 3 तो सीख ही जाएंगे। अब ये भी नहीं है कि जितना पैसा उतना काम, तो आप तो सीखने आए, आप पैसे के लिए नहीं आए, आप सीखने आए हैं, और 1-2-3 साल में सीख के आप कुछ भी कर सकते हैं जाकर, और अच्छी खासी आपकी सैलरी हो सकती है, या फिर खुद का भी आप कोई फर्म डाल के आप काम कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो दोस्तों शेयर करें और मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोटिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।